प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रवेश कर रही हूँ। मैं इन सभी बहादुर नवारक्षकों को हार्दिक बधाई देता हूँ और भारत पाकिस्तान तो भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की यह भव्य परेड साक्षी है और इस बार देखने के पश्चात मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक अव्वल दर्जे का प्रशिक्षण मिला है और कठिन परिश्रम, निष्ठा और कर्तव्य परायणता को दिखाने के फलस्वरूप इस संदर्भ परेड का प्रदर्शन आज संभव हो पाया। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके प्रशिक्षकों द्वारा आपको उच्च दर्जे का प्रशिक्षण अवश्य ही दिया गया। मुझे पूरा यकीन है कि आपके बुनियादी प्रशिक्षण ने आपको इस योग्य बनाया कि आप आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम रहे। मुझे यह उम्मीद है कि आप हर परिस्थिति में खड़े उतरेंगे और न सिर्फ सीमा सुरक्षा बल अपितु अपना, अपने समाज का और अपने देश का भी नाम ऊंचा और रोशन करेंगे। आज सहायक प्रशिक्षण के सीमा सुरक्षा बल श्रीनगर में बुनियादी प्रशिक्षण सभी अधिकारीगण, निरस्त अधिकारीगण, बहादुर जवानों, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रतिनिधिगण, महिला आप इस द्वारी सीमा सुरक्षा बल के सदस्य बन चुके हैं और आपको संसार की सबसे बड़ी जमीनी सीमा की सुरक्षा करने वाली यशस्वी बल में शामिल होकर अपनी मातृभूमि की सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ। सीमा सुरक्षा बल की पहचान देश के प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में की जाती है। विश्व के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल का दायित्व और भी बढ़ जाता है। हम सीमा सुरक्षा और प्रहरियों को सीमाओं की रक्षा का दायित्व के साथ साथ भारत की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारियों को भी दिया गया है और इसके लिए आपको सदैव। और कहां से आप और कितना वक्त यहां पर लगा आपको भी ऐसा? जी मेरा नाम विष्णु कुमार, मैं यूपी आगरा से हूं और यहां पर हमारा अभी एक साल पूरा हो गया ट्रेन करते हुए और अब आज पासिंग परेड है हमारी। आज आगरा से इतना दूर कश्मीर आए हैं ट्रेनिंग करने के लिए, क्या सोच कर आए थे यहाँ? सोच कर आए थे कि वर्दी पहनेंगे और देश की सेवा करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे अच्छी और पासिंग करके अपना अपना जो अपना फर्ज है उसे पूरा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। काफ़ी शुरू में तो बहुत आती थी, बहुत रोना भी आता था और फिर धीरे धीरे माहौल में ढलते गए तो फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब नॉर्मली हो गया। आराम से अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दिया और बढ़िया ट्रेनिंग। कहीं भी जाओगे, कहीं भी ड्यूटी आपको रखेंगे वहाँ पर आप जाओगे? जी। चलो, क्या पैगाम रहेगा हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए? जी मैसेज क्या रहेगी? अच्छा, मैसेज यही रहेगा कि थोड़ी हार्ड वर्क और वो करके कहीं कोई भी आ सकता है, अगर थोड़ा लगन से मेहनत करके कोई भी वर्दी पा सकता है। मेरा नाम विशाल मलिक है, हमें यहाँ पर 44 वीक्स का प्रशिक्षण दिया गया है, 44 वीक का जी, जिसमें हमें काफ़ी परफेक्ट बनाया गया है। शौक बहुत था शुरू से ही, हमने फ़ौज की तैयारी की है, हमारे गांव में भी फ़ौज की तैयारी होती है शुरू से, तो अब हम परफेक्ट हैं। जहाँ भी हमें भेजा जाएगा हम हर जगह सर्वाइव करेंगे जाके। तो हमारे हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं उनके लिए कोई पैगाम? पैगाम यही है हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए कि गाँव के अंदर तो ज़्यादातर यही होता है कि फ़ौज को ही महत्व देते हैं, तो जितने भी हमारे भाई हैं वहाँ पर सब मेहनत करें और फौज में आएं। फौज से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है, अपने देश से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए। मेरा नाम योगेंद्र राजपूत है, मैंने 8 साल की उम्र में एक सपना देखा था वर्दी पहनने का, वो सपना आज मेरा पूरा हो पाया है और घर की याद हमें इतनी आती है कि घर की याद को छोड़ करके हमें देश की सेवा करनी पड़ती है। देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, एक फौजी के लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। और मैं हर किसी से यही कहना चाहूँगा, अगर कोई मौका मिले चाहे वर्दी पहनने का हो
या ना हो, अगर देश की सेवा करने का मौका मिले तो हमें देश की सेवा में आगे रहना चाहिए। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।